नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो प्रश्न है, समृद्ध एवं शिक्षित माता पिता के बच्चे निर्धन और कम पढ़े लिखे माता पिता के बच्चों की अपेक्षा योग्यता परीक्षण में अधिक अंक प्राप्त करते हैं। समाज आर्थिक स्तर और योग्यता परीक्षण में प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध इसलिए है क्योंकि, ठीक है, यहां बात की जा रही है कि जो समृद्ध परिवार है और जो निर्धन परिवार है, दोनों के बच्चे योग्यता परीक्षण में उनके अंकों में भिन्नता होती है। यानी कि जो समृद्ध परिवार के बच्चे होते हैं वो अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो क्या सामाजिक जो आर्थिक स्तर है और योग्यता परीक्षण है, इनके बीच में जो संबंध है वो है क्योंकि, ऑप्शन दिया हुआ है 3, कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच योग्यता में आनुवांशिक विभिन्नता होती है। यानी कि जो सामाजिक वर्ग होते हैं अलग अलग, उनमें क्या है, आनुवांशिक भिन्नता के कारण ऐसा होता है। ठीक, बात सही है। वही दूसरा है कि पौष्टिकता और स्वास्थ्य सेवाओं में जैविक और पर्यावरणीय कारकों की उपयुक्तता में अंतर होता है। आप जानते हैं कि जो समृद्ध परिवार हैं उनकी पौष्टिकता और स्वास्थ्य में अपेक्षाकृत जो निर्धन परिवार हैं दोनों में पर्याप्त अंतर होगा। चाहे वो आप जैविक आधार पर देख लीजिए, चाहे पर्यावरणीय आधार पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये भी जो उपयोगिता है वो अंतर है, सही है। यानी कि यह अभी ऑप्शन एक तरह से देखा जाए तो सही है। वही हम बात करें कि भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और अधिगम के अनुभवों की उपलब्धता में अंतर होता है। यानी कि जो सामाजिक वर्ग हैं, चाहे वो उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, समृद्ध परिवार हो या निर्धन परिवार हो, उनके सांस्कृतिक और उनके अधिगम के अनुभव जो होते हैं उनमें भी अंतर होता है। यानी कि अधिगम के अनुभव, आप देखते हैं कि जो समृद्ध परिवार हैं उनके बच्चों के खिलौने अलग होते हैं और जो निर्धन परिवार हैं उनके बच्चों के खिलौने अलग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो सीखने के अनुभव होते हैं उनमें पर्याप्त विभिन्नता देखी जाएगी। ये सभी कारण, यानी कि यह भी पूरी तरह से सही प्रतीत हो रहा है और उनके सांस्कृतिक में भी, उनके संस्कृति में भी, उनके कल्चर में भी, उनके रहन सहन में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि उनके पास जो चीजें होंगी, जो पर्यावरणीय चीजें हों या जैविक चीजें हों, उनमें पर्याप्त विभिन्नता होगी। उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखा जाए तो होगी, तो अवश्य ही उनमें सांस्कृतिक और अधिगम अनुभव भी में अंतर होगा। तो ये भी सही है। तो आप देखें तो इसी सभी के कारण उनके जो योग्यता परीक्षण है उसमें जो समृद्ध परिवार है वे अधिक अंक अर्जित करते हैं। तो ये देखा जाए तो जो इनके बीच संबंध है वो क्यों है, तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3, ये तीनों ही ऑप्शन सही प्रतीत हो रहा है। तो आप कूट में अगर देखें तो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 और ऑप्शन आपका सही होता है डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, तर्कण में जब आधार वाक्य सही हो, तर्कण में जब आधार वाक्य सही हो तब गलत नहीं हो सकता है। यानी कि आप तर्क कर रहे हैं और तर्क के आधार पर जो आधार वाक्य सही हो रहा है तो अवश्य ही उसका जो निष्कर्ष होगा वो सही होगा। क्योंकि अगर आप सही तर्क कर रहे हैं आधार वाक्य के संदर्भ में तो जो निष्कर्ष होगा वो सही होगा और आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि निष्कर्ष। वही अगले प्रश्न की बात करें, स्मृति के निम्नलिखित चरणों को उनके सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहां मेमोरी के चरणों की बात की जा रही है कि किस तरह से सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में संग्रहित होती हैं, संचित होती हैं, वो उसी क्रम को यहाँ पूछा जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सामान्य क्रम है वह क्या है, सेंसरी रजिस्टर, स्टोरेज और रिट्रीवल। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, विखंडन, संवेदी रजिस्टर, सुदृढ़ीकरण, विशेष पूर्वाभ्यास, चयन, नित अवधान। तो जब भी हम स्मृति के क्रम की बात करते हैं चरणों की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा चयनित अवधान। आप जब भी सूचनाओं को वातावरण में देखते हैं तो बहुत सारी सूचनाएं एक साथ आपको नजर आती हैं, लेकिन आप सभी को एक साथ
देख नहीं सकते, या आप जिन चीजों पर ध्यान देते हैं उसी पर देख पाते हैं। जैसे आप दुकान में निकल रहे हैं तो आप देखते हैं बहुत ढेर सारी दुकानें हैं, लेकिन आप जिसको पसंद करते हैं या जिस जो आपकी जरूरत है आप उसी पर ध्यान देता है। शराब पीने वाला है तो उसका ध्यान केवल ठेके पर जाएगा, अगर पान खाने वाला है तो पान की दुकान पर जाएगा। सारी चीजों पर आप एक साथ ध्यान भी नहीं आकर्षित कर सकते हैं। तो अगर स्मृति के क्रम की बात करें तो सबसे पहले चयनित अवधान होगा, यानी कि हम किसी एक पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। चयनित अवधान के बाद क्या होगा, उसे हम क्या करेंगे, अपने संवेदी रजिस्टर में अंकित करेंगे। तो ये होगा सेकेंड नंबर। उसके बाद हम उसे संचित करने के लिए चुंकी का प्रयोग करेंगे, यानी विखंडन का प्रयोग करेंगे। तो ये होगा तीसरे नंबर पे। वहीं हम बात करें कि फिर क्या होगा, विस्तृत पूर्वाभास, यानी कि उसे अगर हमें अस्थाई रूप से रखना है तो एलोबरेट रिहर्सल करना होता है, उसको बार बार उसे अभ्यास करना होता है, पूर्वाभ्यास। तब ये आएगा चौथे नंबर पे। और अंत में आप देखेंगे सुदृढ़ीकरण होगा, यानी कि कंसोलिडेशन होगा, तब जाकर ये क्या होता है, एक तरह से अस्थाई मेमोरी के रूप में हमारे मस्तिष्क में संचित हो जाता है। तो ये अंत में आएगा। इस आधार पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आ रहा है 5, 2, 1, 4 and 3। तो इस आधार पर कूट में आप देखें तो आपको मिल रहा है 4, 2, 1, 5, 2, 1, 4 और 3, और ऑप्शन आपका सही होगा ए। आइए अगले प्रश्न पर बात करें कि अर्जुन की मां जब उसे गृह कार्य करने के लिए टीका टिप्पणी करती है, यानी कि उसको होमवर्क करने के लिए बार बार उसे डांटती है या टोकती है कह दीजिए, तो वह क्रोधित होता है, यानी उसको एक तरह से बुरा लगता है, तो झुलझुलाहट होती है। जब वह अंततः होमवर्क कर चुकता है तो उसकी मां टीका टिप्पणी बंद कर देती है। अब वह टीका टिप्पणी के अपना होमवर्क बिना टीका टिप्पणी के, यानी कि बिना टीका टिप्पणी के ही अपना होमवर्क करता है। यहां टीका टिप्पणी ने निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य किया है, ध्यान दीजिएगा कि माँ उसकी जो है होमवर्क करने के लिए टीका टिप्पणी करती है और वो क्रोधित होता है, यानी कि जो टीका टिप्पणी है एक तरह से वो निगेटिव है, लेकिन उसी टीका टिप्पणी की वजह से वह होमवर्क करता है, तो एक तरह से वो क्या होगा, रीइन्फोर्समेंट होगा, पुनर्बलन होगा, क्या करने के लिए, गृह कार्य करने के लिए। तो आप देखें तो ऑप्शन में आपको मिलेगा नकारात्मक पुनर्बलन, यानी कि नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट आप देखेंगे आपको ऑप्शन में मिल रहा है सी, यानी कि ऑप्शन आपका सही होगा सी। आइए अब बात करते हैं अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है ये। अक्ष पटल पर किसी वस्तु का जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा, अक्ष पटलीय पर जितना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि हमारे रेटिना पर किसी वस्तु का जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उसे उतना ही निकट समझेंगे हम, यानी कि अगर प्रतिबिंब बड़ा है तो निकट होता है कि अनुमान लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में बड़ी हो तो प्रायः उसे निकट समझा जाता है। बात वही है कि अगर दो वस्तुएं एक साथ रेटिना पर बन रही हैं, हमारे अक्ष पटलीय प्रतिबिंब बन रहा है, तो जो वस्तु बड़ी होगी उसे हम नजदीक समझेंगे और जो छोटी होगी उसे हम दूर समझेंगे। वही तर्क क्या कह रहा है, ये बात भी अभिकथन तो सही प्रतीत हो रहा है। और तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है कि अक्ष पटल की विसंगति दूरी के प्रत्यक्षीकरण के लिए महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध करती है। ठीक है, ये बात सही है कि जो विसंगति होती है अक्ष पटलीय प्रतिबिंब में, जो अन्य वस्तुओं में भिन्नता देखती है, वो उसके दूरी का दूरी के लिए संकेत तो देती है, लेकिन 100% ये कहा जाए कि दूरी के लिए अक्ष पटलीय विसंगति ही जिम्मेदार है तो ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो तर्क तो सही है, लेकिन आप देखें तो अभिकथन की व्याख्या पूरी तरह से नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर अगर आप देखें ऑप्शन में तो आपको मिलेगा ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा बी, यानी कि आपका ऑप्शन सही हो रहा है बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रणाली में माइलिन का उत्पादन करती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन का उत्पादन कौन सी तंत्रिका प्रणाली करती है।
तो वो ऑब्लिगेंडा होती है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा ऑब्लिगोंड्रोसाइट्स, यानी कि यह एक तंत्रिका कोशिका है, जो तंत्रिका प्रणाली है जो माइलिन का उत्पादन करती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि एक देश में सामान्य निर्वाचन के पश्चात, यानी कि निर्वाचन हो गया है उसके बाद की बात की जा रही है, एक समाज मनोवैज्ञानिक ने 200 मतदाताओं से साक्षात्कार इसलिए किया ताकि वह जीत रही पार्टी को उसकी अभिवृत्ति का अध्ययन कर सके, यानी कि ये पता लगा सके कि कौन सी पार्टी जीत रही है। तो यह किसका उदाहरण है? ठीक है, तो चूंकि सबसे पहले तो यह है कि जो चुनाव है, जो घटना है वो घट चुकी है, हम घटना के बाद अगर कोई भी जब अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी कि आप देखेंगे इस आपके ऑप्शन में मिलेगा कार्योत्तर अनुसंधान, यानी कि कार्य के उत्तर, कार्य के बाद के अनुसंधान को हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं। चूंकि निर्वाचन हो चुका है, निर्वाचन के बाद जब अध्ययन किया जा रहा है तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगा, और आपका ऑप्शन सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है। सीरोटोनिन मोचन के निम्न स्तर को आक्रामकता एवं समाज विरोधी व्यवहार से संबंधित माना जाता है। आप जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन का जो स्तर है वह अगर निम्न होता है तो वह आक्रामकता तथा समाज विरोधी व्यवहार से संबंधित माना गया है, यह बात सही है। वही कहा जाए कि सीरोटोनिन तंत्रिकाएं मानवीय आक्रामकता में निषेधात्मक की भूमिका निभाती है, यानी कि आक्रामकता को रोकने के लिए सेरोटोनिन का प्रयोग होता है, तो यह भी सही है। और आप देखें कि यह क्या है कि यह पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह आक्रामकता तथा समाज विरोधी व्यवहार से संबंधित है क्योंकि यह निषेधात्मक भूमिका निभाती है उसमें, तो अवश्य ही आप देखें तो अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है, साथ ही तर्क जो है उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इस आधार पर आपका ऑप्शन सही होगा ए। आइए अगले प्रश्न को देखें, तो रचनात्मक विकल्पवाद का अर्थ है, रचनात्मक विकल्पवाद का अर्थ है, आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। एक व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक प्रवरण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से वह घटनाओं के होने की अपेक्षा करता है। वहीं बी दिया हुआ है विश्व संबंधी सभी व्याख्याएं संशोधन अथवा परिवर्तित किए जाने के विषय में, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा रचनात्मक विकल्पवाद का अर्थ है विश्व संबंधी सभी व्याख्याएं संशोधन अथवा परिवर्तित होने के संबंध में, यानी कि बी। आइए अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें, तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्पीयरमैन के सिद्धांत का परिणाम नहीं है। स्पीयरमैन आप जानते ही हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बुद्धि के फैक्टर थियरी की शुरुआत की थी, इसके अलावा भी बहुत सारे इनके अध्ययन हैं, तो किस अध्ययन का कौन सा वह है जो स्पीयरमैन के सिद्धांत का परिणाम नहीं है। बुद्धि के भिन्न भिन्न मापों के बीच सहसंबंध सकारात्मक होता है, जाहिर सी बात है सही है। बुद्धि के दो मापों के बीच सहसंबंध R1G R2G के बराबर होता है, जबकि एक और दो भिन्न भिन्न मापों के प्रतिनिधित्व करते हैं और जी सामान्य कारक का प्रतिनिधित्व करता है, सही बात है। ये जी और यस फैक्टर की बात किए हैं तो ये भी सही प्रतीत हो रहा है। वहीं हम बात करें कि बुद्धि के दो मापों के बीच सहसंबंध R1 प्लस R2 के बराबर होता है, जबकि एक और दो विभिन्न दो मापों के प्रतिनिधित्व करते हैं और जी सामान्य कारक। यही देखिए यह ऑप्शन गलत प्रतीत हो रहा है कि बुद्धि के दो मापों के बीच सहसंबंध के बराबर होंगे, जबकि एक और दो विभिन्न दो मापों के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये ऑप्शन गलत प्रतीत हो रहा है। इस आधार पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आ रही होगी। ऐसे ही व्याख्यात्मक परिचर्चा से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें।
ताकि इसका लाभ अन्य मित्रों को भी मिले। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।